सो वेलकम बैक टू यू चैनल। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बात कर रहे थे आज की डेली अपडेट्स के बारे में। रितु राठी और गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट के बीच में डिवोर्स रूमर तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा। वो कोई रूमर नहीं है बल्कि सच है। जब से रितु राठी की प्रेमानंद महाराज से सवाल करते हुए वीडियो वायरल हुई तब से लोग अटकले लगा रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अब तो खुद दोनों ने कंफर्म कर दिया है। और यहाँ तक कि रितु राठी ने अपने इंस्टा पे एक वीडियो भी पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने सब कुछ खुल के बता दिया कि क्यों आखिरकार लड़ाई हुई थी और क्या जो प्रेमानंद महाराज की वीडियो में दिख रही है लड़की वो रितु राठी है या नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको पूरी दिखाया था और आप एंड तक देखिएगा। और आगे बढ़ने पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर देना, और आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना क्या ये पीआर स्टैंड है या सच है। बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक है। एक वीडियो थी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड, वाज इट मी? यस, बट सम पीपल नीडेड तड़का, मेरे फेस को जूम इन कर कर कर, ओह दैट्स हर वॉइस, ओह वी आर इन रितुज आर्मी। सो सम फैक्ट्स, एम आई अबला नारी? नो, रियलिटी चेक, The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए, and I really wish कि आप उसके घर पे जाओ और उसके issues resolve करते और कहते कि we are in your army। मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years may be equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ में इक्वली केपेबल बनाते हो? कभी ऐसा होया है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did. It was a personal question. कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ किसी का भी, जिसमें कभी आप हाथ ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुप गई हो कि बस भगवान के आगे जाके रोए ना हो? Even I did. आप सब, हम सब झूठ बोला डेली, जो लोग कमेंट में लिखने लग रहे ना, ये सब निंदा करने लग रहे। जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितुज आर्मी, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में वो तीसरी बात हुआ जो छुप सके, होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये सोशल मीडिया छोड़ देना, मैंने एक साल हो गया, आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मेरा पाथ ही डिफरेंट है। जब तक शीरी मिली तब तक ये सब इतना नकली लागन, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जाऊँ, उसके जो उसूल है ना, मैंने आपसे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो कैसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा है और गारंटी लेके कह सकूं जितने भी लोग इसमें देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू दे पाओगा। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन घोड़ा के घर में घुस के फुस 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 इस सोसाइटी को ना, जब मैं पायलट बनना चाहती थी ना, मैंने तब भी संभाल लिया था। तो ईद तो बातें जी है, अब बहुत अच्छी डाल देख रखी है, ठीक है। तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म से, और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, ना मेरे के लिए कुछ गलत हो यार। मेरी श्री जी है, मैंने संभालूंगा। अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देंगे, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरु जी मैंने बचा लेंगे, और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है किसी की भी हेल्प करना। डेफिनेटली आई डोंट नीड दिस सोशल मीडिया सपोर्ट। और आके घर में घुस के फुस 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 करके रियलिटी यह है, उसको यू नकली बना देना, सब फैला देना, ये सोसाइटी का बहुत पहले का कल्चर है। जब
बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज हुआ कर दी, तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया गया करता, उस पर अत्याचार रहे होते हैं। जब ईद सोसाइटी एक्सपैंड होगी है, जब सब इंडिपेंडेंट हो लग गया, कोई भी औरत अगर सेपरेट हुआ एक आदमी से, तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम ट्रीट्स। जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं, उसका मतलब यू नहीं है कि एक औरत सही है या एक आदमी सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज नॉट टू द वर्ल्ड, दिस क्वेश्चन वॉज टू माई श्री जी, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। पीपल हु हैव मेड इट बिग एंड सो कॉल्ड माई हितकारी और रितु जार should be ashamed. And thanks to people who when looked at video but still kept silent, thinking that there would be other side too. There would be more to it. I made this video because what I learned today was कभी कभी silence कितना बड़ा अधर्म हो जाए। अगर आज मैंने अपना silence नहीं तोड़ा तो वो किसी के लिए कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। I cannot forget the 8 years I spent with that man. And I respect him for that. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, ठीक है। आपकी जरूरत नहीं है, काइंड स्टे आउट ऑफ इट। हाँ एक और चीज, बहुत लोगों ने लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ, इफ यू आर गेटिंग सेपरेटेड, इट्स अ टिपिकल बिहेवियर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन अ मैन एंड टू शो ओह आई एम बिचारी, आई हैव नथिंग, तो सो सॉरी यार, ना गलत करूं ना गलत सहूं।